हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और किस प्रकार से आपकी तैयारियां चल रही हैं? वैसे मैं समझता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लगभग अपने सभी जो मैंने वीडियोस अपलोड करी है उन सभी वीडियोस को आप देख रहे होंगे और साथ में साथ नोट्स बना रहे होंगे। यदि दोस्तों यदि आप मेरे पढ़ाने के बाद में नोट्स नहीं बनाते हैं और यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो मेरी इन वीडियोस का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे मुझे पता चल जाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स तो लगभग डेली इन वीडियोस को देखते हैं और डेली इन वीडियोस के प्रत्येक शुरू से लेकर एंड तक पूरा, जैसे एक घंटा मैंने अपलोड किया है यदि वीडियोस का, तो सभी एक घंटे की वीडियोस को देखते हैं और ये मेरे पास जो टाइम होता है वो टाइम इंक्लूड होता है, इसलिए मुझे पता है इस बात का कि मेरी वीडियोस को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। वैसे ये कोई मैटर नहीं करता कि आप वीडियोस देखते हो या नहीं देखते हो, मैटर यह करता है कि आप ये जो मैं कोर्स आपके सामने लेके आया हूं इस कोर्स से आप वाकिफ हो या नहीं हो। दोस्तों यदि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी मेरे यहाँ जो पढ़ा रहा हूं उसका कुछ भी कोई मतलब नहीं होगा और मेरे जो पढ़ाने का जो मेथड है, जो एक बेस्ट मेथड मैं आपके सामने लेके आया हूं पढ़ाने का इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, वो बेस्ट मेथड आप उससे अवगत नहीं हो पाओगे, उसे आप मतलब अपना इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। यदि आप मेरे साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको देखना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना बेहतर पढ़ा रहे हैं और कितना खराब पढ़ा रहे हैं, यदि इसका आपको डिसीजन निर्णय लेना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियोज को देखें और स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियोज देखें। जो भी मैंने अपलोड किए जितने वीडियोज उन सभी वीडियोज को देखें, उनको देखने के बाद में आप एक मतलब थॉट आपका होगा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इन वीडियोस को देखें और देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप एक कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से कोर्स के रूप में कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, इससे सीजल एग्जाम की ओरिएंटेड है और उसको लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आप उसको देख सकते हैं और भी दोस्तों आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करवा सकते हैं लोगों से। ओके, धन्यवाद। और ये हुई बात अपनी जो मेरे को करनी पड़ती है दोस्तों, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको बतानी पड़ती है मुझे, क्योंकि आपको जब मैं बार बार बोलूंगा इस बात को कि इसको शेयर करिए तो ही आप ज्यादा शेयर कर पाते हैं, देखा है मैंने अक्सर। तो आप सभी को मैं अब जो टॉपिक है उस टॉपिक पे लेकर चलता हूं दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश के अंदर अपन वर्ब पढ़ रहे थे और मैंने वर्ब के अंदर आप सभी को कुछ वर्ब का लास्ट लेसन नंबर 6 या 7 अपलोड कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं और दोस्तों आज मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं दोस्तों, इन एग्जांपल्स में आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल्स दिए थे 5, उन 5 एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि देखिए फाइंड करिए कि इन एग्जांपल्स में कहां पे एरर है, ये बात मैंने कही थी। अब आज अपने को क्या करना है दोस्तों, आज अपने को मैंने आपको 7 सेंटेंस दिए हैं, इन 7 सेंटेंस से आपको पता करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिनमें से आप 6 और 7 सेंटेंस, 6 और 7 नंबर का सेंटेंस है उसे एक बार छोड़ दीजिए और ऊपर के 1 से लेकर 5 जो सेंटेंस है उन 5 सेंटेंस में आप पता करिए कि इन 5 सेंटेंस का क्या एक्टिव से पैसिव बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इन 5 सेंटेंस का क्या हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यदि हम इन 5 सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं दोस्तों तो आप एक बार बनाने की कोशिश करें खुद से, फिर यदि नहीं बनता है तो भी एक बार ट्राई करिए, क्योंकि यदि ट्राई करते हो तो आपको जरूर यहां से सीखने को मिलेगा जब मैं आपको कुछ और नया बताऊंगा। तो एक बार ट्राई करिए दोस्तों कि इन सभी 5 सेंटेंस में क्या कभी भी एक्टिव और पैसिव बन सकता है, तो आप ये यदि बनता है तो आप बनाने की कोशिश करें। 1 मिनट के लिए मैं प्रे होता हूं, फिर देखिएगा। दोस्तों देखते हैं अपन कि इन सेंटेंस का क्या 5 सेंटेंस का एक्टिव या पैसिव बन सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं मैं, आप सभी को पता है कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव ले जाते समय, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव ले जाते समय हमारे पास में क्या रूल्स होते हैं वो आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास में मान लीजिए कोई एक्टिव सेंटेंस किस प्रकार से है, तो आप बोलोगे इस प्रकार से कोई एक्टिव है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो ऐसा होता है, कैसा, सब्जेक्ट होता है पहले, फिर क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर वर्ब होती है, फिर क्या होता है तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट होता है।
इसको चेंज करना पड़ता है दोस्तों हमें पैसिव वॉइस के अंदर। किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आप लोग इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना पड़ता है। फिर लिखा दोस्तों अपने ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों ऑब्जेक्ट। इसके बाद में लिखते हैं हम दोस्तों क्या लिखोगे, बी प्लस का वी थर्ड। यहाँ पे जो वर्ब है इसको बदल के लिखते हैं दोस्तों बी प्लस वी थर्ड। फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, तो आप लोग से बाय, क्या लिखेंगे बाय। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अपने पास में ये रूल होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मिलाते हुए किसी सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में, तो आप लोग यहां से होगा, तो इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, इस वर्ब को चेंज करके बी प्लस वी थर्ड लिखते हैं, और इस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं, और सब्जेक्ट को बाय प्लस बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। सब्जेक्ट को क्या किया दोस्तों, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखा अपन। ऐसा हम करते हैं दोस्तों, तब बोलो हाजिर, ऐसा हम करते हैं। तो मुझे बताइए अब क्या, मैंने ये जो ऊपर वाला पहला वाक्य लिखा है, इस पहले वाक्य पे मैं मेरा अपना फोकस डालता हूं। देखिए फोकस क्या है, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, यहां पे लिखा हुआ है मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली। आप मुझे बताइए ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ऊपर वाला, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इस सेंटेंस में मुझे बताइए क्या यहां पे वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में वर्ब है, तो आप बोलोगे सर वर्ब कौन है, तो ये वर्ब है। कौन? सिंग्स क्या है? वर्ब है। क्या है? सिंग्स वर्ब है। इसका मतलब है सिंग सेंग संग, ये सिंग की तीन फॉर्म होती है, तो आप बोलोगे हाँ सर कौन कौन सी, तो एक होगी सिंग, फिर आप बोलोगे एक होगी सेंग, फिर आप बोलोगे कौन सी होगी संग, ठीक है दोस्तों। ये कौन सी है, तो आप बोलोगे वी फर्स्ट, ये कौन सी है वी टू, ये कौन सी है वी थ्री, यहां तक आप समझे दोस्तों। अभी ये क्या हुआ दोस्तों, यहां पे जो सिंग्स है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर वी फर्स्ट प्लस का एस या एस है, और आपको पता है कि वी फर्स्ट प्लस एस या एस किस में लगता है, तो आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, किसमें लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। अब देखिएगा ये वर्ब है, तो मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आप लोग सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है, वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब को करता है। तो वर्ब का सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, आपको मैंने बताया था कि जो भी उस वर्ब को करता है, जो भी उस एक्शन को करता है, वही वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। मुझे बताइए सिंग करने का काम किसने किया, तो आप बोलोगे सर मोहन ने किया, किसने, मोहन ने। इसलिए ये जो सिंग वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर मोहन हुआ, कौन हुआ, मोहन हुआ। यहां तक बात समझ गए दोस्तों। अब देखिएगा अब मुझे बताइए ये अपन ने वर्ब ढूंढ ली, ये सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तीसरा काम क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का, वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का। अब एक बात बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का जो काम होगा उसे कैसे पहचानेंगे, किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो आप बोलोगे सर कि वर्ब का ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, उसे जो वर्ब का जो एक्शन है हमारी, जो काम है हमारा, उस काम को कौन प्राप्त कर रहा है, वो काम किस पे हो रहा है, ठीक है दोस्तों, उस एक्शन किस पे हो रही है, वो काम कौन प्राप्त कर रहा है, वही उस एक्शन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। या एक्शन का जो रिसीवर होगा, एक्शन का जो रिसीवर होगा वही दोस्तों क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्शन का रिसीवर हमेशा क्या होगा, एक्शन का ये जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब मुझे बताइए क्या यहां पे सिंग वर्ब है, तो ये जो सिंग वर्ब है दोस्तों, इस सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर इस सिंग वर्ब का मोहन सिंह। अब यहां पे मुझे बताइए इस सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, जो मैंने आपको बताया कि इस सिंग वर्ब का रिसीवर कौन है, अब अपने को रिसीवर नजर नहीं आ रहा, तो अब अगर यदि यहां पे अटक गए हम कि हमें यदि वर्ब का रिसीवर नजर नहीं आ रहा, तो इस वर्ब के रिसीवर को ढूंढने के लिए एक तरीका और बताया था मैंने कि वर्ब से आप क्या करिए, व्हाट या हुम का रिप्लाई मांगिए। यदि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई हमें मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा और वही उस वर्ब का रिसीवर कहलाएगा, या सबको पता है, तो आप देखो हां सर। तो मुझे बताइए मोहन सेंस व्हाट, मैं बोल रहा हूं आपसे यहां पे कि मोहन सेंस व्हाट, यहां बोला मैंने मोहन सेंस व्हाट, मोहन ने क्या गाया, मोहन ने क्या गाया, तो आप बोलोगे सर यहां मैं अपना जो वाक्य है मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इस पूरे सेंटेंस में मोहन ने क्या गाया इसका कहीं पर भी कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा। यदि मुझे मोहन सिंग्स व्हाट नहीं मिल रहा है, यदि मुझे व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो वर्ब है दोस्तों उस वर्ब का इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट इस वर्ब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब है, ये जो वर्ब है वो वर्ब किस टाइप की होगी,
ये वर्ब किस टाइप की होगी? तो आप बोलोगे सर आपने तीन वर्ब बताई थी। कौन सी बताई थी आपने सर? वर्ब के तीन टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप बताए थे? एक बताया था सर आपने डूइंग वर्ब, एक आपने बताया था बीइंग वर्ब, एक बताया था हैपनिंग वर्ब। मुझे बताइए यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे बताइए मैंने डूइंग वर्ब के केस में क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट बताया था? तो आप बोलोगे सर हाँ डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, ये बात कही थी आपने। फिर दूसरा देखिएगा, मैंने कहा था कि जो बीइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब है उसके केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा, ये मैंने बात कही थी आपको। और मैंने एक और बात कही थी जो हैपनिंग वर्ब है उसके केस में भी वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इस सेंटेंस में जो वर्ब, ये जो वर्ब लिखी हुई है इस वर्ब का क्या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सर या तो डूइंग वर्ब हो सकती है, या बीइंग वर्ब हो सकती है, या हैपनिंग वर्ब हो सकती है, या तो डूइंग वर्ब हो सकती है, या बीइंग वर्ब हो सकती है, या हैपनिंग वर्ब हो सकती है। मुझे बताइए डूइंग वर्ब की पहचान क्या बताई थी? तो आपको मैंने बताया था सर डूइंग वर्ब वे वर्ब होगी जिनके अंदर किसी पर्सन के द्वारा कुछ काम किया जाएगा, वे वर्ब जिनके अंदर किसी पर्सन के द्वारा कुछ काम किया जाएगा उसे कहते हैं डूइंग वर्ब। और मैंने बताया था बीइंग वर्ब क्या होता है? तो मैंने बताया था किसी भी पर्सन का कुछ होना या किसी भी पर्सन के बारे में कुछ बताना, उस स्थिति में उस सेंटेंस के अंदर यदि किसी सेंटेंस में अंदर किसी भी एक्शन के द्वारा, किसी भी क्रिया के द्वारा, किसी भी वर्ब के द्वारा किसी पर्सन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, इसका मतलब वो वर्ब कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर बीइंग वर्ब होगी। और एक और बताई थी मैंने कि हैपनिंग वर्ब होती है। तो आपको मैंने बताया था हैपनिंग वर्ब को सेंटेंस में कैसे अपन स्पेसिफाई करेंगे कि हैपनिंग वर्ब है। तो मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई क्रिया, कोई क्रिया खुद ही हो रही है, कोई क्रिया, कोई एक्शन यदि सेल्फ से हो रही है, उसे कोई दूसरा कर नहीं रहा है, इसका मतलब है जो एक्शन है वह कौन सी होगी? वह हैपनिंग वर्ब होगी। कौन सी होगी? हैपनिंग वर्ब। मुझे बताइए मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इसके अंदर मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, यहाँ पे सिंग है वो डूइंग वर्ब है, बीइंग वर्ब है, या हैपनिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सिंग है वो बीइंग वर्ब है। कौन सी है? बीइंग वर्ब है। क्यों है दोस्तों ये बता देता हूं। मुझे बताइए बीइंग वर्ब क्यों है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है मोहन के बारे में? कि मोहन गाता है। कैसा गाता है? वेरी स्वीटली। कैसा गाता है? वेरी स्वीटली। तो इस बात से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे वेरी स्वीटली किसके लिए आया? तो आप बोलोगे सर सिंग वर्ब के लिए आया। और ये वर्ब किसके लिए आया? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट मोहन के लिए आया। इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हमें मोहन के बारे में बताया जा रहा है। और मैंने कहा जिस भी सेंटेंस में मोहन, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में या किसी के बारे में कुछ बताया जाए, तो उस स्थिति में जो वर्ब होगी उस सेंटेंस के अंदर वह वर्ब बीइंग वर्ब होगी। अब मुझे बताइए यदि ये बीइंग वर्ब है दोस्तों, यदि ये वर्ब तो है लेकिन ये कौन सी है? तो आप बोलोगे सर बीइंग वर्ब है। कौन सी है? बीइंग वर्ब। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे अपने पास में सब्जेक्ट है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ। अपने को क्या करना था? अपने को इस पूरे सेंटेंस को, ये जो मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली है, इस पूरे सेंटेंस को अपने को कन्वर्ट करना था किसमें? एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है? यदि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में, और यदि इस सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कन्वर्ट करना किसमें? एक्टिव वॉइस में। ये बताना दोस्त। अब मुझे बताइए यहां पे क्या इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे नहीं सर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वर्ब का ऑब्जेक्ट? क्योंकि सर ये वर्ब जो है वो बीइंग वर्ब है। कौन सी है? बीइंग वर्ब। और बीइंग वर्ब के केस में कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मुझे बताइए यदि यहां पे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले मुझे बताइए सेंटेंस किस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है या एक्टिव वॉइस में? तो आप बोलोगे सर ये जो सिंग्स है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, इसको देखने से तो पता चल रहा है कि ये किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें दोस्तों? एक्टिव वॉइस में। क्यों है दोस्तों? क्योंकि यदि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो आप सभी को पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर यदि कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगी वो हमेशा किस टाइप की होगी? तो आप बोलोगे सर बी प्लस का वी थर्ड टाइप की होगी। तो मुझे बताइए इस सेंटेंस में कहां पर वी थर्ड आपको नजर आ रही है? तो आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो सेंटेंस लिखा हुआ मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, ये पूरा सेंटेंस अपने पास में किसमें लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में। किसमें दोस्तों? एक्टिव वॉइस में। अब देखिएगा दोस्तों इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मुझे बताइए इस वर्ब का कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, इस वर्ब का कहीं पर भी हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो अपने को दोस्तों
मुझे बताइए ये जो पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को क्या हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्योंकि हमारे पास इस सिंग वर्ब का, इस सिंग वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और हमारे को क्या चाहिए दोस्तों? हमारे को पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। यह ऑब्जेक्ट होता कौन है? तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट होता है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है तभी हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहां तक बात समझिए दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली। इस सेंटेंस के अंदर दोस्तों मैंने सेंटेंस लिखा मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है और यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है दोस्तों, तो इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, वो ऑब्जेक्ट होता कौन है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट होता कौन है पैसिव वॉइस के अंदर? ये पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होता कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब का कौन होगा? रिसीवर होगा। ये वर्ब का कौन होगा? रिसीवर होगा। अब मुझे बताइए यहां पर वर्ब का कोई रिसीवर ही नहीं है, तो यहां पर वर्ब का रिसीवर कहां से लेके आएंगे अपन? इसलिए दोस्तों ये इस प्रकार की जितने भी टाइप्स के जितने भी सेंटेंस है, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, ठीक है दोस्तों, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, जहां पे बीइंग वर्ब होती है, जहां पे बीइंग वर्ब या हैपनिंग वर्ब होती है, जितने भी ऐसे टाइप्स के सेंटेंस, उन सभी सेंटेंस जिनके अंदर हैपनिंग वर्ब या बीइंग वर्ब होती है, उन सभी सेंटेंस का कभी भी क्या नहीं बन पाएगा अपने पास में? एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाएगा या पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, इसके अंदर हमारे पास भी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। अब चलता हूं नीचे सेकंड नंबर के सेंटेंस में। देखिएगा सेकंड नंबर सेंटेंस क्या कहता है। सेकंड नंबर का सेंटेंस ये लिखा हुआ दोस्तों कि विजय गोज टू दिल्ली, विजय गोज टू दिल्ली, ठीक है दोस्तों, विजय गोज टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस को एक बार देखिएगा दोस्तों और मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस को पहले तो ब्रेक करिए आप, इस सेंटेंस को ब्रेक करिए। तो आप बोलोगे सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस से तो पता करते हैं कि सेंटेंस में वर्ब कौन है। तो आप बोलोगे सर गोज, यहां पे वर्ब है, यहां तक पता है दोस्तों गोज का मतलब। दोस्तों देखिए गो वेंट, आप बोलोगे गॉन, यह होती है वी फर्स्ट, यह होती है वी सेकेंड, यह होती है कौन सी वी थर्ड। अब देखिएगा गो के अंदर एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर गोज बनेगा। क्या बनेगा? गोज। और आप सबको पता है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस किसमें लगता है? तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब मुझे बताइए यहां पे वर्ब कौन हुआ? तो आप बोलोगे सर गोज हुआ। अब यहां पर देखिएगा यदि ये गोज वर्ब है तो अब मुझे बताइए इस वर्ब का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो उस वर्ब को करता है, जो उस वर्ब को करता है। इसका मतलब इस वर्ब को गोज जाने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर विजय कर रहा है। इसलिए यहां पे इस गोज वर्ब का, इस एक्शन का जो सब्जेक्ट होगा है ना दोस्तों, इस एक्शन का जो डूअर होगा वो कौन होगा? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट होगा विजय। यहां तक बात समझिए, आगे चलते हैं। अब क्या चाहिए अपने को? तो अब आप बोलोगे कि सर देखिएगा मैंने आपको वो सेंटेंस, ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको अच्छे से ब्रेक करके नहीं बताया, एक बार वापस से लिखूंगा उसको, वापस से आपको सेंटेंस को ब्रेक करके बताऊंगा। एक बार पहले इसको देख लीजिएगा। लिखा हुआ है विजय गोज टू दिल्ली। अब सेंटेंस में वर्ब ढूंढी तो आप बोलोगे हाँ सर ढूंढी आपने, क्या सब्जेक्ट ढूंढा? तो आप बोलो सब्जेक्ट ढूंढा। अब देखिएगा यहां पर टू क्या है? तो आप बोलोगे टू एक प्रीपोजिशन, टू क्या है? प्रीपोजिशन। और टू प्रीपोजिशन है तो मुझे बताइए, मैंने कहा था आपको यदि कभी भी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो उस सेंटेंस में उस प्रीपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका है कि प्रीपोजिशन से राइट हैंड साइड या दाई ओर चलना स्टार्ट करिए, जो पहला नाउन या प्रोनाउन होगा उसे ही क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा यहां पे? तो आप बोलोगे ये बनेगा। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट किसका है? दिल्ली। तो आप बोलोगे दिल्ली ऑब्जेक्ट है किसका? प्रीपोजिशन का। किसका? प्रीपोजिशन। अब देखिएगा दोस्तों मैंने वर्ब ढूंढ ली तो आप बोलोगे से ढूंढ लिया आपने, आपने इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढ लिया, आपने बोला ढूंढ लिया। देखिएगा मैंने प्रीपोजिशन ढूंढ लिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, अब तक काम सही चल रहा था दोस्तों अपना। लेकिन मुझे बताइए ये वर्ब है तो इस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। तो आप बोलोगे सर हाँ हो सकता है वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सर आपने तीन केस बताए हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट होने के लिए।
कि डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा और हैपनिंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों देखना है कि विजय गोज टू दिल्ली, यहां पे गोज वर्ब है, इस गोज वर्ब का मैं यहां से आपको ऑब्जेक्ट मांगू तो मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, तो आप बोलोगे सर विजय गोज वे व्हाट या हूं, विजय गोज व्हाट या हूं, तो आप बोलोगे सर विजय गोज व्हाट या हूं, ये दोनों ही बात मेल नहीं खा रही है। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि विजय गोज व्हाट या हूं, व्हाट या हूं का रिप्लाई मिल रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा, हूं का रिप्लाई तो आप बोलोगे नहीं मिल रहा। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, जो यहां पे ये गोज वर्ब लिखी हुई है, इस गोज वर्ब का, इस गोज वर्ब का हमें कहां पर भी क्या नहीं मिल रहा, तो आप बोलोगे सर हमें इस गोज वर्ब का कहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इस वर्ब का हमें कहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। और आप सभी को पता है कि वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो दो टाइप तीन टाइप से हो सकती है, तो आप बोलोगे कौन कौन सर, या तो डूइंग वर्ब हो सकती है, क्यों, डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरी बात मैंने कहा बीइंग वर्ब हो सकती है, तो दोस्तों क्या हो सकती है, बीइंग वर्ब हो सकती है, बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कभी भी नहीं होगा, हैपनिंग वर्ब के केस में तो आप लोग से वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। अब एक और मैंने बताया था आपको, क्या एक बताया था मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब, एक बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या बताया था दोस्तों, एक बताया था आपको ट्रांजिटिव वर्ब, एक बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने ये वर्ब के दो टाइप और बताए थे आपको, बताया था मैंने कि दोनों टाइप के अंदर डिफरेंस क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब वह होगी जो हमेशा कह लेती हो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव वर्ब वह होगी जो कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। जो वर्ब यदि कभी ऑब्जेक्ट लेती है इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी मैंने बात कही। अब मुझे बताइए दोस्तों विजय गोज टू दिल्ली, विजय गोज टू दिल्ली, यहां पे ये जो है गोज, इस गोज टू दिल्ली के अंदर दोस्तों ये डूइंग वर्ब लग रही है क्या आपको, ये डूइंग वर्ब, हाँ बोलोगे हाँ सर डूइंग वर्ब। विजय क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है दोस्तों, विजय क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। और मैंने कहा था कि यदि कोई भी पर्सन कोई काम कर देता है, यदि कोई भी पर्सन कोई काम कर देता है तो उस स्थिति में जो वर्ब आएगी उस वर्ब को कहेंगे डूइंग वर्ब, कौन सा कहेंगे, तो आप बोलोगे डूइंग वर्ब। तो मुझे बताइए विजय यहां पे कोई काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ विजय यहां पे काम कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सी होगी, तो आप बोलोगे डूइंग वर्ब होगी, कौन सी होगी, डूइंग वर्ब। लेकिन आपने एक बात सुनी या सोची आपने कि डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। इसका मतलब दोस्तों अपने ही सेंटेंस में लिखा हुआ है विजय गोज टू दिल्ली, इस सेंटेंस के अंदर डूइंग वर्ब तो है लेकिन इस डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और यदि इस गोज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों विजय गोज टू दिल्ली, इसका मतलब हुआ दोस्तों अपन ने यहां पे फाइंड कर लिया कि इस वर्ब का सब्जेक्ट हो रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब किसकी टाइप की है, तो आप बोलोगे डूइंग वर्ब टाइप की है। दूसरी बात ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। और आप सबको पता है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब के ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात मैंने स्पष्ट कर दी थी आपको। अब मुझे बताइए ये पूरा सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है इस वर्ब को देख के आप क्या बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं इस वर्ब को देखकर कि ये वर्ब जो है वो एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब कौन सी है, एक्टिव वर्ब, कौन सी है, एक्टिव वर्ब, क्यों एक्टिव वर्ब ये कैसे है और ये पैसिव वर्ब क्यों नहीं है, क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि सर यदि इस सेंटेंस में पैसिव वर्ब होती तो वहां पे पैसिव वर्ब की पहचान क्या है, तो आप बोलोगे सर बी प्लस वी थर्ड, क्या है, बी प्लस वी थर्ड। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, अपने पास में बी प्लस वी थर्ड आपको कहां पर दिख रहा है इसमें, तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा। इसका मतलब हुआ कि जो गोज है वो क्या नहीं है, पैसिव वर्ब नहीं है। अगर पैसिव वर्ब नहीं है तो मैंने कहा था कि पैसिव वर्ब के अलावा जितनी भी वर्ब्स होगी वो किसमें होगी, तो आप बोलोगे एक्टिव वर्ब है। इसका मतलब गोज यहां पर क्या हुआ, तो आप बोलोगे एक्टिव वर्ब है, कौन सी दोस्तों, एक्टिव वर्ब। अब मुझे बताइए इसका मतलब ये एक्टिव वर्ब है, ये डूइंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये पूरा सेंटेंस किसमें है, तो आप बोलोगे सर पूरा सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में। यहां तो बात समझिए दोस्तों, अब मुझे बताइए यदि पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है दोस्तों, अब अपने को क्या काम करना है, अपने को काम करना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, किसके, एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। अब मुझे बताइए यदि विजय गोज टू दिल्ली लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने पास में लिखा हुआ है, वर्ब अपने पास में लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट अपने पास में है क्या, क्या, तो आप बोलोगे सर इस पूरे सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक्टिव वॉइस में अपने पास में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है,
एक्टिव वॉइस में अपने पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब दोस्तों क्या पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा अपने को? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ही हम कन्वर्ट करते समय पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे ही हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव वर्ब में पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा कहां से? तो आप बोलोगे सर कि हमारे पास में विजय गोस्ट दिल्ली है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ब है ये डूइंग वर्ब है, और इस डूइंग वर्ब के केस में हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये वर्ब विजय गोस टू दिल्ली इसलिए वर्ब क्या है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। अरे यदि वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो अपन यहां पे पैसिव वॉइस में अपने को चाहिए क्या? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में सबसे पहले अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अपने पास तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए दोस्तों इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है विजय गोस टू दिल्ली जिनके अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, उन वर्ब्स के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, उन सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते कभी भी, याद रखना इस बात को दोस्तों। तो मैंने यहां पे क्या देखा, मैंने विजय गोस टू दिल्ली के अंदर एक सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में भी मैंने ये पाया कि इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनेगा। मैंने आपको दो सेंटेंस बताए दोस्तों, दो सेंटेंस कौन कौन से, एक बताया मैंने दोस्तों मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली क्या बताया दोस्तों, मोहन सिंग्स वेरी स्वीटली, जहां पे इस सेंटेंस के अंदर जो सिंग्स है इस सिंग्स वर्ग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए उस सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाया। और हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे वर्ब है, इस वर्ब का भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इस विजय गोस टू दिल्ली इस सेंटेंस का भी हमने क्या नहीं बनाया? तो आप बोलोगे सर इस सेंटेंस का भी हमारे पास में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आपको मैंने बताया कि कौन से सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कौन से सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये बात मैंने बताई दोस्तों आपको। और आगे मैं दो तीन एग्जांपल ले रखे हैं मैंने, उनके द्वारा और अच्छे से मेरी बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिएगा। अब देखिएगा, मैंने नहीं कहा क्या एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर रिंकू फेल फ्रॉम स्टेयर्स। अभी फेल करना क्या होता है? तो आप बोलोगे सर फेल यानी गिरना होता है, क्या होता है? फेल यानी गिरना होता है। अब मुझे बताइए रिंकू फेल फ्रॉम स्टेयर्स, अब इसमें देखिएगा कि यहां पे ये जो वर्ब है फॉल, अब मुझे बताइए इस फेल जो वर्ब है इस वर्ब के अंदर इस वर्ब को ढूंढेगा, ये वर्ब है क्या? तो आप बोलोगे सर वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है ये दोस्तों, क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब है। ये वर्ब हुई इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आप फाइंड करिए वर्ब, तो आपने देखा फॉल रिंकू फेल फ्रॉम स्टेयर्स, क्या है? रिंकू फेल फ्रॉम स्टेयर्स, रिंकू सीढ़ियों से गिर गई, रिंकू सीढ़ियों से गिर गई, ये वर्ब आई क्या? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है। अब देखिएगा यदि ये वर्ब है दोस्तों तो मुझे बताइए इस वर्ब का कोई ना कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर ये फेल करने का काम, गिरने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर गिरने का काम यहां पर रिंकू कर रही है, कौन कर रही है? रिंकू कर रही है। इसलिए जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर रिंकू है, कौन है? रिंकू है। यहां तक बात समझिए दोस्तों, मुझे बताइए फ्रॉम द स्टेयर्स मुझे फ्रॉम क्या है? तो आप लोगों से प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन? द क्या है? तो आप लोग से द आर्टिकल। अब मुझे बताइए यदि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का कोई ना कोई क्या होगा? तो आप लोगों से प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे बताइए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप लोगों से कहां से गिरी? तो आप लोग स्टेयर्स सीढ़ियों से गिरी, इसलिए इसे प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? तो आप लोगों से ऑब्जेक्ट कौन होगा इसका? इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? स्टेयर्स है, सीढ़ियां है। यहां तो बात समझिए दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा मैंने कहा आपको रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, यहां पे अपने क्या किया? अपने वर्ब ढूंढी, तो आप बोलोगे हाँ सर वर्ब ढूंढी। वर्ब का क्या सब्जेक्ट ढूंढा? तो आप बोलोगे हाँ सर ढूंढ लिया। क्या अपने पास प्रीपोजिशन था? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया। अब मैंने कहा जैसा कि आपको कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का क्या वर्ब के ऑब्जेक्ट से कोई भी मतलब होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब के ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये पहली बात स्पष्ट करी। दूसरी बात देखिए, अब मुझे बताइए कि जो फेल है ये वर्ब है दोस्तों, ये फेल वर्ब, इस फेल वर्ब का क्या वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? तो अब अपन देखते हैं रिंकू फेल वाट या हूं, यदि वर्ब से वाट या हूं का रिप्लाई मांगते हैं,
यदि वर्ब से वाट या हुम का रिप्लाई मांगते हैं और वर्ब से यदि वाट और हुम का रिप्लाई मिल जाता है दोस्तों, इसका मतलब है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में है, लेकिन अपने पास में रिंकू फेल वाट मिल रहा है रिप्लाई, तो आप लोग सर इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा। रिंकू फेल रिंकू फेल हुम, तो यहां मुझे बताइए हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर वॉट या हुम का रिप्लाई हमें इस सेंटेंस में नहीं मिल रहा। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या हुआ, इस जो वर्ब है इस वर्ब का क्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। यहां तो बात समझे, अब फिर दिमाग में आएगा क्या कि इस वर्ब का यदि इस सेंटेंस में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये वर्ब कितने टाइप की हो सकती है, तो आप बोलोगे सर अब आपने वर्ब बताए थे एक डूइंग वर्ब, एक बीइंग वर्ब, एक बताई थी हैपनिंग वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बताई थी क्या। अब देखते हैं डूइंग वर्ब के केस में मैंने बताया था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, यहां तक बात होती। फिर मैंने कहा कि बीइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा, मैंने कहा। फिर तीसरी बात मैंने कही कि हैपनिंग वर्ब के केस में कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फिर मैंने कहा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखिएगा मुझे बताइए ये फेल एक गिरना एक क्रिया है, एक्शन है, वर्ब है, ये वर्ब कौन सी है। रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, रिंकू सीढ़ियों से गिर गई। यहां पे क्या हुआ मुझे बताइए, डूइंग वर्ब है या बीइंग वर्ब है या हैपनिंग वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है दोस्तों। आपको पता चलेगा कि फेल यहां पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल यहां पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, तो आपको पता चलेगा सर इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब वह एक्शन होती है जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, केवल एक्शन बताया जाता है, केवल बताया जाता है। मुझे बताइए मैं आई गो टू जयपुर, मुझे तेईस जाने के अंदर मैंने कोई आई गो टू जयपुर, बहुत सही है, मैं कह रहा हूं आई स्लीप ऑन द फ्लोर। मुझे बताइए इस सोने के अंदर मैं कोई क्रिया कर रहा हूं, तो आप बोलोगे नहीं सर सो रहे हो आप, तो आपकी एक अवस्था को बताया जा रहा है। ये जो आई स्लीप ऑन द फ्लोर है दोस्तों, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है, जो स्लीप है, ये जो स्लीप वर्ब है, ये स्लिप जो वर्ब है, इस वर्ब से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे इस स्लिप अपने को एक स्टेट को एक अवस्था को बता रही है कि एक सोने, ये जो सो रहा हूं मैं कोई अवस्था है, तो आप बोलोगे सर हाँ एक स्टेट है, सोने की और एक स्टेट है। तो मुझे बताइए यहां पे ये जो फेल वर्ब है, ये फेल वर्ब कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर इंट्रांजिटिव होगी। कौन सी होगी इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यदि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होगी जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब मुझे बताइए यदि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, यदि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अब मुझे बताइए यहां पे ये सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पहले तो ये समझिए। अपन ने बात फाइंड करी कि फेल वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब तीसरी बात देखिएगा क्या रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ये सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, तो आप बोलोगे सर ये एक्टिव वॉइस में, किसमें एक्टिव वॉइस में। क्यों हुआ दोस्तों एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यदि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता, तो अपने पास में पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, तो आप बोलोगे सर बी प्लस विथ थर्ड, बी प्लस का विथ थर्ड टाइप की। मुझे बताइए यहां पे आप कहां पर भी आपको बी प्लस विथ थर्ड नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं बी प्लस विथ थर्ड तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो सेंटेंस लिखा है रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ये पूरा सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। और यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो मुझे बताइए यहां पे एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अपने पास में है, वर्ब अपने पास में है, ऑब्जेक्ट क्या अपने पास में है इस एक्टिव वॉइस के अंदर, तो आप बोलोगे सर अपने पास में इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में कहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारे पास कहां पर भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर। यदि इस एक्टिव वॉइस में यदि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है दोस्तों, तो यदि मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में मुझे चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को। यदि ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा कहां से, और यदि यहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा दोस्तों, यदि यहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा, तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट यहां पे काम क्या करता है पैसिव वॉइस में, तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट काम करता है हमेशा वर्ब का रिसीवर बनने का, वर्ब का रिसीवर बनने का। अब मुझे बताइए यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है पहली बात, दूसरी बात यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का रिसीवर नहीं बनेगा, और यदि वर्ब का रिसीवर नहीं बनेगा, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ गई,
इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि रिंकू फेल फ्रॉम द स्टेयर्स, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में तो लिखा हुआ है क्योंकि इसकी वर्ब को पहचानने से पता चल रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को हम कभी भी एक्टिव से पैसिव पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है लेकिन इस सेंटेंस को कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, और वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसका रीजन, इसका मेन रीजन क्या है जो आपको मैंने बताया कि वर्ब का यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां तक बात दोस्तों समझ में आई होगी। आगे फिर एक और लेके चलता हूं, एक और लिखा हुआ दोस्तों उसको देखिएगा। अब देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, और सेंटेंस क्या है देखिएगा, सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़िएगा। ये सेंटेंस मैंने काफी टाइम पहले भी खूब बार करा दिया लेकिन आज फिर करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं दोस्तों, उसका एक रीजन है। यहां पे लिखा हुआ सेंटेंस, रिंकू इज ए पुलिस, रिंकू इज ए पुलिस, रिंकू क्या है पुलिस है, रिंकू इज ए पुलिस। अब मुझे बताइए यहां पे इज क्या है, एप ए क्या है, आर्टिकल ये क्या है, पुलिस क्या है, रिंकू क्या है, इन सबके बारे में अपन क्या करते हैं, पहले तो सेंटेंस को ब्रेक करने करते हैं। रिंकू इज ए पुलिस, इस सेंटेंस को पहले तो ब्रेक करिए, फिर पता करिए यहां पे वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है। मुझे बताइए यहां पे इज क्या है, तो आप बोलोगे सर इज यहां पे क्या है, आपने बताया था सर बी वर्ब होती है दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों आपने, सर आपने ये बताया था कि जो बी वर्ब है, आपने कहा था सर कि बी वर्ब है, इस बी वर्ब के अंदर दो काम करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब बनने का और एक करती है ये मेन वर्ब बनने का, किसका मेन वर्ब बनने का। यहां पे ये बी वर्ब है क्या, तो आप बोलोगे बी वर्ब, इसका मतलब दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कब करेगी, जब इसके बाद में कोई मेन वर्ब हो, इसके बाद में कोई मेन वर्ब हो, और इस यदि ये मेन वर्ब बनने का काम करेगी तो इसके बाद में कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी, कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी। इसका मतलब दोस्तों यहां पे जो इज है, इज बी वर्ब है, और ये इज बी वर्ब यहां पे किसका काम करिए, तो आप बोलोगे सर मैन वर्ब का, इसका मतलब ये क्या हुआ, तो ये बोलोगे आप सर मैन वर्ब हुई, क्या हुई मैन वर्ब। और मैंने कहा था कि इज या बी वर्ब इंग्लिश के अंदर सेंटेंस में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनने का, एक मैन वर्ब बनने का। यदि इंग्लिश में कभी भी बी वर्ब यदि मैन वर्ब बनने का काम करती है तो उसे ही कहते हैं क्या, लिंकिंग वर्ब। कौन सा कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। और मैंने कहा था लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब का काम होता है हमेशा सब्जेक्ट का उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेशन बताना, सब्जेक्ट का उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेशन बताना होता है। ये बात कही थी मैंने। अब मुझे बताइए यदि ये मैन वर्ब है, यदि ये इज मैन वर्ब है, इसका मतलब दोस्तों ये एक लिंकिंग वर्ब होगी, तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब होगी। अब एक बात मैंने कही थी दोस्तों, वापिस रिपीट करता हूं कि यदि बी वर्ब कभी भी मैन वर्ब या लिंकिंग वर्ब बनती है, उस स्थिति में उस बी वर्ब या इस वर्ब के द्वारा कभी भी कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा, कभी भी एक्शन नहीं बताया जाएगा, एक्शन नहीं दर्शाया जाएगा। यहां पे मुझे बताइए रिंकू इज ए पुलिस, यहां पे वर्ब ढूंढ लिया अपने, और ये इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आप लोग से वर्ब का सब्जेक्ट होगा रिंकू, कौन होगा रिंकू। अब मुझे बताइए यदि ये वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये कौन है, तो आप बोलोगे सर ये पुलिस, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसका है इस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे बताइए ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, तो आप बोलोगे सर रिंकू इज ए पुलिस, यहां पे रिंकू के बारे में बताया गया। मुझे बताइए इस सेंटेंस को पढ़िए आप, रिंकू इज ए पुलिस, यहां पे जो इज वर्ब है ये इज वर्ब क्या काम कर रही है, तो आप बोलोगे सर इज वर्ब तो है लेकिन ये वर्ब कोई एक्शन नहीं बता रही है, कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, एक्शन कर रही है कि वर्ब इज वर्ब यहां पे, तो आप बोलोगे सर नहीं कर रही। एक्शन कब होता दोस्तों, रिंकू इज स्लीपिंग एंड या रिंकू इज गोइंग टू जयपुर, रिंकू इज गोइंग टू जयपुर, रिंकू ने जाने का काम किया, इसलिए यहां पे इस सेंटेंस में रिंकू इज गोइंग टू जयपुर, इस जो सेंटेंस है इसमें रिंकू ने एक्शन किया, कौन सा एक्शन किया, जयपुर जाने का काम किया रिंकू ने, तो यहां पे कोई एक्शन हुई लेकिन रिंकू इज ए पुलिस। इस पूरे सेंटेंस में मुझे बताइए कि इस पूरे सेंटेंस में रिंकू ने कोई काम किया, तो आप बोलो सर यहां पे रिंकू ने, रिंकू इज ए पुलिस, इस पूरे सेंटेंस में रिंकू ने कोई काम नहीं किया, यहां पे तो केवल रिंकू के बारे में बताया गया, और रिंकू के बारे में बताया कैसे गया कि रिंकू क्या है पुलिस है, क्या है पुलिस है, यहां तक बात समझ में आपको। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इज मैन वर्ब हुई, ये मैन वर्ब हुई, और मैन वर्ब हुई इसका मतलब इज लिंकिंग वर्ब हुई। अब आप सबको पता चल चुका है
कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रिंकू है, इस सब्जेक्ट का ये कौन है, पुलिस, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस सब्जेक्ट की बात को पूरा कर रहा है ये, कौन, पुलिस कर रहा है। यदि पुलिस नहीं होता तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, सब्जेक्ट इस सेंटेंस को समझ में आता, तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों नहीं आता, क्योंकि रिंकू इज, यहाँ पे रिंकू है, रिंकू है, यहाँ पे तो अपने को रिंकू की बात बतानी है, रिंकू के बारे में कुछ बता रहे। यदि रिंकू के बारे में बताना है कि रिंकू पुलिस है, तो अपने को क्या करना है, वहां पे हमें से जो वर्ब होगी वो लिंकिंग वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। अब बात देखिएगा, रिंकू इज ए पुलिस, इसका मतलब वो वर्ब कौन सी, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब इस लिंकिंग वर्ब के केस में यहाँ पे वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आया, तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट नजर कब आता है, तो आप बोलोगे सर यदि वर्ब, यदि एक्शन होता है, यदि किसी सेंटेंस में कोई कार्य होता है, तब ही वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल सकता है। अन्यथा यदि सेंटेंस में किसी एक्शन के द्वारा कोई काम ही नहीं हो रहा हो, तो उस सेंटेंस में क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिंकू के बारे में बताया गया है, यहाँ रिंकू, रिंकू कोई काम थोड़ी कर रही है। यदि रिंकू कोई काम कर रही होती तो वहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता था दोस्तों, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट इसीलिए नहीं है। यदि यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी हुई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये वर्ब हुई कौन सी, एक और एक होती है। अब आपने कहा सर कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन कौन सी स्थिति में नहीं होता, डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, फिर मैंने कहा था डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कहा मैंने लिंकिंग वर्ब के केस में कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताइए क्या एक तो बीइंग वर्ब बताई, एक डूइंग वर्ब बताई, और एक बताया मैंने क्या हैपनिंग वर्ब, और एक बताई मैंने ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, मुझे बताइए इन पांचों में से ये जो वर्ब है कौन सी है, तो आप बोलोगे सर लिंकिंग वर्ब है। और मैंने एक बात पहले ही कह दी थी कि लिंकिंग वर्ब के केस में कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब मुझे बताइए इस वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे बताइए कि यह जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या एक्टिव में है पैसिव में, पहले ही बताइए। यहां पर पहली बात पता करिए अपने कि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, यदि यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे बताइए सेंटेंस किसमें, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस वर्ब को देखने से तो पता चल रहा है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, किसमें, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस होता है उसको पहचानने का तरीका एक और बताया था, कैसे कि उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आप बोलोगे सर उस वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का डुअल होता है। एक्टिव वॉइस में मैंने बात बताई थी आपको कि जो वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब का डुअल होता है एक्टिव वॉइस में। और ये कही थी मैंने बात कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब का रिसीवर होगा। मुझे बताइए ये इज होने का, इज ये इज का मतलब क्या, होना, ये इज होने का काम कौन है, कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर रिंकू करी। इसका मतलब इस वर्ब का सीधा डुअल कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर रिंकू ही। इसका मतलब रिंकू यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ तो बस। अब मुझे बताइए एक्टिव वॉइस को पहचाने का तरीका, मैंने बताया कि कभी भी एक्टिव वॉइस को पहचाने के लिए क्या करते हैं अपन, मैंने दो तीन बातें बताई थी उसके अंदर, एक बात एक और बताई मैंने क्या कि वर्ब किस टाइप की होनी चाहिए, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब किस टाइप की होनी चाहिए, तो आपको बताया था पैसिव वर्ब के अंदर या पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब हमेशा पैसिव वर्ब होनी चाहिए। पैसिव वर्ब कैसी होती है पैसिव वॉइस में, तो आप बोलोगे सर बी प्लस विद वर्ब, कैसी होगी बी प्लस विद वर्ब। मुझे बताइए यहाँ पे आपको कहीं पर भी सेंटेंस में बी प्लस विद वर्ब फॉर्म नजर आ रही है, तो आप बोलोगे सर नहीं आ रही। इसका मतलब हुआ रिंकू इज ए पुलिस, इस पूरे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो किसमें है, तो आप बोलोगे सर एक्टिव वर्ब है, कौन सी है एक्टिव वर्ब। यदि सेंटेंस में एक्टिव वर्ब है इसका मतलब सेंटेंस किसमें है, तो आप बोलोगे सर एक्टिव वॉइस में। अब मुझे बताइए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आती है, तो मुझे बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप बोलोगे हाँ सर है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब है तो आप बोलोगे है, लेकिन मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस में, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर नहीं इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है दोस्तों, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मुझे बताइए पैसिव वॉइस लिखने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर अपने स्ट्रक्चर को देखने के बाद में पता चल रहा है कि अपने पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट होता कौन है पैसिव वॉइस में, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब का रिसीवर होता है, किसका, वर्ब का रिसीवर। यहां मुझे बताइए कि वर्ब का रिसीवर कौन है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है वर्ब का रिसीवर, क्योंकि सर यहाँ पे वर्ब हो रही नहीं, यहाँ पे वर्ब क्रिया एक्शन ही नहीं हो रही है, इसलिए एक्शन का रिसीवर भी नहीं है। यदि एक्शन का रिसीवर नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, और यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ये पैसिव वॉइस जो बनना है वो बनेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये बन नहीं पाए। इसलिए बात जो स्पष्ट की मैंने वो क्या है दोस्तों कि रिंकू इज ए टीचर, इस टाइप के जब भी लिंकिंग वर्ब आए तो उस लिंकिंग वर्ब के केस में कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और यदि लिंकिंग वर्ब के केस में कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। यह
यहां तक की जो मैंने बात थी आपको समझाने की कोशिश करी इन चार एग्जाम्पल से। अगला एग्जाम्पल और लिया दोस्तों, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी सैंग ए रोमांटिक सॉन्ग। क्या लिखा हुआ दोस्तों, सी सैंग ए रोमांटिक सॉन्ग। अब मुझे बताइए सी सैंग ए रोमांटिक सॉन्ग जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप पढ़िए एक बार, और इस सेंटेंस को पहले तो आप ब्रेक करिए अपने आप से, और फिर ब्रेक करने के बाद में एक बार ढूंढिए कि सैंग यहां पे वर्ब है, तो इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट या इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, और यदि है तो इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, एक बार अपने आप से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक मिनट के लिए मैं परे होता बोर्ड से करिए आप। तो दोस्तों आपने कर लिया होगा। अब देखिएगा आपको मैं इस सेंटेंस के बारे में भी और बताता हूं। मुझे बताइए इस सेंटेंस को पहले ब्रेक करते हैं, ब्रेक कैसे करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे कौन है सैंग, कौन है तो आप बोलोगे सर वर्ब है। मुझे बताइए ये गाना गाने का काम कौन कर रहा है तो आप बोलोगे सी कर रहा है, कौन कर रहा है सी कर रहा है। इसलिए ये सी कौन है तो आप बोलोगे सी इस वर्ब का क्या है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट याद तो वासी। मुझे बताइए सी सैंग व्हाट, सी सैंग व्हाट तो आप बोलोगे सी सैंग सॉन्ग, सी सैंग सॉन्ग। तो इसका मतलब हुआ यहां पे वर्ब से हमें व्हाट का रिप्लाई मिला। यदि वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिला दोस्तों, इसका मतलब वर्ब से हमें व्हाट का रिप्लाई मिला, इसका मतलब ये क्या हुआ तो आप बोलोगे सर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। यदि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसका मतलब ये क्या हुआ तो ये बोलोगे रिसीवर। ये सैंग वर्ब का जो रिसीवर है, ये सैंग वर्ब का जो रिसीवर है वो कौन हुआ तो आप बोलोगे सर कौन हुआ तो आप बोलोगे सर सॉन्ग हुआ, कौन हुआ सॉन्ग हुआ। एक मिनट के लिए दो, इसका मतलब देखिएगा दोस्तों सी सैंग ए रोमांटिक सॉन्ग। अब देखिएगा मैंने सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए क्या किया, वर्ब ढूंढी, वर्ब से ढूंढा मैंने सब्जेक्ट और वर्ब से ढूंढा मैंने ऑब्जेक्ट। वर्ब से ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका तो आपको मैंने बताया कि वर्ब से यदि वाट या हुम का रिप्लाई हमें सेंटेंस में मिलता है तो इसका मतलब है उस वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है तो आप बोले सर वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, कौन हुआ सॉन्ग हुआ, कौन हुआ सॉन्ग। अब देखिएगा यदि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसका मतलब हुआ रिसीवर मिल गया अपने। अब देखिएगा अपने पास में ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हुआ, ठीक है दोस्तों। अब ये रोमांटिक क्या है, रोमांटिक के बारे में बता दो, ये क्या है सॉन्ग क्या है तो आप बोलोगे सर सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट है। सॉन्ग का पार्ट जो किसी तो आप बोलोगे सर नाउन है, नाउन में कौन सा है तो आप बोलोगे सर नाउन में कौन सा तो आप बोलोगे सर कॉमन नाउन, क्या है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है दोस्तों, क्या ठीक है। इसका बाद बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच जो भी होगा मैंने बता रखा वैसे तो, ठीक है दोस्तों। ये क्या है सॉन्ग क्या है नाउन है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए ये रोमांटिक क्या कर रहा है भाई, कैसा सॉन्ग गाया किसने, सी ने, ये जो सी है उसने कैसा सॉन्ग गाया तो आप बोलोगे सर इस सी ने सॉन्ग गाया कैसा तो रोमांटिक सॉन्ग, किसका रोमांटिक सॉन्ग। ये रोमांटिक ने किसको क्वालिफाई किया तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट को, जबकि ऑब्जेक्ट है कौन तो आप बोलोगे नाउन को। और आप सबको पता है कि वे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उन सभी शब्दों को कहते हैं क्या एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ रोमांटिक एक क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, कौन सा हुआ दोस्तों एडजेक्टिव हुआ, और कौन सा एडजेक्टिव हुआ रोमांटिक तो आप बोलोगे सर किसको बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है क्वांटिटी को बता रहा है तो आप बोलोगे सर ये सॉन्ग की क्वालिटी को बता रहा है, कैसा सॉन्ग है तो आप बोलोगे सर रोमांटिक सॉन्ग था, कैसा रोमांटिक सॉन्ग। इसलिए क्या हुआ यहां पे रोमांटिक जो शब्द है, ये रोमांटिक जो वर्ड है वो क्वालिटी को बता रहा है, किसकी सॉन्ग की क्वालिटी को, इसलिए यहां पे रोमांटिक क्या हुआ तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हुआ, और कौन सा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझिए दोस्तों, अब देखते हैं यहां तक मैंने क्या किया दोस्तों। अब यहां पे देखिएगा ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला इसलिए ये वर्ब कौन सी हुई तो आप बोलोगे सर वर्ब हुई, लेकिन ये वर्ब कौन सी हुई तो आप बोलोगे सर ये वर्ब हो सकती है, या तो कौन सी हो सकती है या तो डूइंग वर्ब हो सकती है या वीर हो सकती है, कौन सी तो आप बोलोगे सर या हो सकती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि दो ही वर्ब ऐसी होती है कि उन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कौन कौन सी, एक तो डूइंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है ट्रांजिटिव वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए ये डूइंग वर्ब है या ट्रांजिटिव वर्ब तो आप बोलोगे सर ये डूइंग वर्ब है, क्या है डूइंग वर्ब, क्यों डूइंग वर्ब मैंने क्या बताया था तो आपको बताया कि सर डूइंग वर्ब वे वर्ब होती है जिनमें किसी पर्सन के द्वारा किसी काम को कर दिया जाता है। मुझे बताइए यहां पे सीने को काम किया तो आप बोलोगे सर हाँ, क्या काम किया गाने गाने का काम किया, और कैसा गाना तो आप बोलोगे सर रोमांटिक सॉन्ग गाने का काम किया, किसने किया सीने, इसलिए यहां पे सीने को काम किया तो आप बोलोगे हाँ सर, इसलिए सीने को काम किया, इसलिए जो वर्ब है वो कौन सी तो आप बोलोगे सर डूइंग वर्ब, कौन सी है डूइंग वर्ब, ये वर्ब हुई ये डूइंग वर्ब। अब देखिएगा यहां तक बात स्पष्ट हुई,
मुझे बताइए यहाँ पे सी सेंड, यहाँ पे सेंड है जो दोस्तों, इस सेंड ये अभी मैंने लिखा था कि यहाँ पे आपके सामने तीन बातें लिखी थी मैंने, कौन कौन सी? तो आप बोलोगे सर एक लिखी थी आपने सिंग, एक लिखी थी दोस्तों आपने सर आपने लिखी थी सेंड, एक लिखी थी आपने सन। मुझे बताइए ये कौन सी था वी फर्स्ट, ये कौन सी है वी टू, ये कौन सी है? तो आप बोलोगे वी थ्री। अब मुझे बताइए यदि ये वी टू है, यदि ये वी टू है, इसका मतलब दोस्तों ये पूरा सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है? तो आप लोग सर अपना ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। क्यों लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में? तो आप कैसे पहचाने एक्टिव वॉइस में? क्यों दोस्तों? आपको एक्टिव वॉइस को पहचानने के तरीके मैंने बताए थे, मैंने दो तरीके बताए। पहला तरीका देखिएगा कौन सा, कि उसे जो वर्ब है उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब का डूअर है या रिसीवर। मुझे बताइए ये जो वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप लोग सी है। अब मुझे बताइए कि इस वर्ब का जो सी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर? तो आप बोलोगे डूअर है। क्यों डूअर है? क्योंकि इस सैंग ये जो गाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सी कर रहा है। इसलिए ये जो काम किया किसने? तो इसने सी ने। इसलिए यहाँ पे ये कौन हुआ? डूअर हुआ। यदि ये सैंग जो है सॉन्ग है, ये जो सैंग है, इस सैंग का यदि अपने को रिसीवर फाइंड करना था यहाँ पे, तो ये तो डूअर हुआ, जबकि ये कौन हुआ? रिसीवर। रिसीवर क्यों हुआ? क्योंकि ये गाना गाने का काम किस पे किया गया है? गाना गाने का काम किस पे किया गया? तो आप बोलोगे सॉन्ग पे, गाने पे किया गया। किस पे? गाने पे। इसलिए सॉन्ग यहाँ पे वर्ब का क्या है? रिसीवर। तो मुझे बताइए यहाँ पे इस वर्ब का ये सी क्या बना? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? डूअर। और मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? डूअर होता है। इसलिए यहाँ पे हमारे को पता चला कि जो वर्ब है या ये पूरा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में। दूसरा तरीका मैंने बताया कि कोई भी सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस में है तो उसको पहचानने का एक तरीका है क्या? यदि बी प्लस वी थर्ड नहीं है, यदि बी प्लस का वी थर्ड ये यदि किसी सेंटेंस में नहीं है, ये यदि किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो सेंटेंस किसमें? तो आप बोलिए एक्टिव वॉइस में। और यदि ये सेंटेंस ये किसी भी सेंटेंस में है, यदि ये किसी भी सेंटेंस में है ये वाली वर्ब, तो इसका मतलब वो सेंटेंस किसमें? तो आप बोलिए वो सेंटेंस होगा किसमें? पैसिव वॉइस में। क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस की पहचान क्या होती है? बी प्लस का वी थर्ड होती है। यहां तक बात सुनिए। अब देखिएगा सी सैंड रोमांटिक सॉन्ग, यहाँ पे इसका मतलब मुझे हुआ एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है। अब अपने को इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस के सेंटेंस, पैसिव वॉइस के सेंटेंस। क्या हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? तो अब आपका उत्तर आना चाहिए दोस्तों कि हाँ सर, हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी है ये रहा, हमारे पास वर्ब भी है ये रही, अपने पास में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी अपने पास है, और अपने को इसमें भी यही चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए बी प्लस वी थर्ड प्लस सब्जेक्ट, यही तो सब कुछ चाहिए। यदि ये सब कुछ अपने पास में है तो इसका मतलब हम इसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और यदि हमारे पास में इन सभी चीजों में कुछ भी नहीं है, यदि इन तीनों में से यदि कुछ एक नहीं है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों आपके माइंड को सेट कर लीजिए इस बात को, यदि आप इनमें से कोई भी नहीं है तो उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। अब देखिएगा अब क्या बात हुई। तो आप बोलोगे सर अब इसको चेंज करना, अब इसको चेंज कैसे करेंगे? देखिएगा चेंज कैसे करेंगे, मैंने बताया था यहाँ पे कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। अब एक्टिव वॉइस में था, तो आप बोलोगे सर हाँ एक्टिव वॉइस में था, ठीक है, जबकि अपने को चेंज किसमें करना है? तो आप बोलोगे सर अपने को चेंज करना किसमें? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है सबसे पहले बताइए मुझे? तो आप बोलोगे सर ए रोमांटिक सॉन्ग। क्या है? ए रोमांटिक सॉन्ग। ए रोमांटिक सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोस्तों देखिएगा मैंने ऑब्जेक्ट यही था, केवल मैंने इन दोनों को क्यों लिया? तो मुझे बताइए इन दोनों को यदि नहीं लूंगा तो ये दोनों आए किसके लिए थे? ये ए और ए लिखा हुआ है, रोमांटिक लिखा हुआ है, ए और रोमांटिक, ये दोनों आए किसके लिए? तो आप बोलोगे सर ये आए सॉन्ग के लिए। यदि मैंने सॉन्ग को लिखा है तो इस सॉन्ग के लिए ये दोनों शब्द आए, उन दोनों शब्दों को लिखना मेरे लिए अनिवार्य होगा दोस्तों, कंपल्सरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इसके लिए यूज लिया है, तो आप बोलोगे सॉन्ग के लिए, ठीक है दोस्तों। रोमांटिक किसके लिए लिया? तो आप बोलोगे सॉन्ग के लिए। इसलिए मुझे सॉन्ग से पहले ए रोमांटिक जरूर यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ए रोमांटिक सॉन्ग, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब क्या आएगा? तो आप बोलोगे बी प्लस का वी थर्ड। अब मुझे बताइए बी प्लस का वी थर्ड आएगा, तो बी प्लस का वी थर्ड आएगा। तो देखिएगा मैंने बताइए वी थर्ड कौन सी होगी, ये जो सेंग है इसकी वी थर्ड कौन सी होगी? तो आप बोलोगे संग होगी। कौन सी होगी? संग होगी। यहाँ पे संग लिख दीजिए आप, क्या संग, यहां तो बात समझिए दोस्तों। अब मुझे बताइए यहाँ पे बी आएगी कौन सी? बी। यहाँ पे बी आएगी क्या? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आएगी, बी की कौन सी फॉर्म आएगी? तो आप बोलोगे सर
बी की फॉर्म में होती है, एक तो होती है इज, एक होती है एम, एक होती है आर, एक होती है सर वाज और एक होती है वर। ठीक है दोस्तों, एक होती है वर, एक होती है बीन और एक होती है बीन। अब मुझे बताइए यहां पे बी आएगी, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, इज एम आर आएगी यहां पे, या फिर वाज वर आएगी यहां पे, या फिर बीन आएगी या बीन आएगी। तो आप बोलोगे सर कि आपने एक बात कही थी जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो मैंने बात कही थी कि एक्टिव से पैसिव जाते हुए कभी भी सेंटेंस का कभी भी सेंटेंस का एक तो क्या नहीं होना चाहिए, एक तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कही थी मैंने, और सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे भी सी ने गाना गाने का काम किया है, तो अपना एक्टिव वॉइस में क्या नाम, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर सी ने गाना गाने का काम किया। तो दोस्तों यहां पे भी गाना गाओ कौन गाएगा, सी गाएगा, और जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तब भी वहां पर भी कौन गाना गाएगा, तो वहां पर भी गाना गाएगा सी ही गाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने यहां पर कहा आपको कि एक तो एक्टिव से पैसिव जाते समय टेंस का क्या नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कही मैंने कि सेंटेंस का क्या नहीं होना चाहिए, मीनिंग अर्थ नहीं, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, क्या यहां से मीनिंग दूसरे में जाएंगे चेंज होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में जो टेंस है वो कौन सा, इसको देखने से आपको पता चल रहा है सर ये V2 है, और V2 कौन से टेंस में आता है, तो आप बोलोगे सर ये पास्ट टेंस में आता है, किस बात है पास्ट टेंस, इसका मतलब मुझे ये बताइए कि बी की यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप बोलोगे सर पास्ट टेंस वाली, मुझे बताइए इज एम आर आएगी, तो आप बोलोगे सर नहीं ये पास्ट टेंस को नहीं बताती, तो इसका मतलब वाज वर, तो आप बोलोगे सर हाँ वाज और वर यहां पे पास्ट टेंस को बताती, मुझे बताइए क्या वाज लिखू या वर, तो आप लिखोगे सर यहां पे वाज, क्यों वर क्यों नहीं लिखा दोस्तों, वर इसलिए नहीं लिखा दोस्तों यहां पे सॉन्ग कितने हैं, तो आपको पता चलेगा सॉन्ग यहां पे सिंगुलर, यहां पे सॉन्ग कैसा है सिंगुलर, इसलिए मैंने सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज ली है। यहां पे यदि सॉन्ग्स होते बहुत सारे गाने होते तो वहां पे मैं यहां पे वाज की जगह वर यूज करता, या तो वाज नहीं, तो देखिएगा ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास में बी प्लस वी थर्ड, अपने पास में क्या बचा, तो आप बोलोगे सर एक आएगी बाय, क्या आएगा बाय, और बाय के बाद में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बाय के बाद में आएगा सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन है मुझे बताइए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी तो वहां पे सब्जेक्ट गया, तो मुझे बताइए सब्जेक्ट कौन सा, तो सब्जेक्ट बोलोगे आप सी, कौन है सी, तो बाय क्या बाय सी, क्या लिखेंगे दोस्तों बाय सी, क्या लिखा दोस्तों अपने बाय सी, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा ए रोमांटिक सॉन्ग वाज सिंगिंग बाय सी, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा बाय सी, यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिएगा मैंने ये जो सेंटेंस बताया कौन सा, सी सेंग ए रोमांटिक सॉन्ग, इस सेंटेंस को देखिएगा, इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था, इसलिए अपने यहां पे अपने पास में ये पॉसिबल हुआ कि हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर चुके, कन्वर्ट कर पाए। और दोस्तों जो इससे पहले मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे थे उन सभी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, हमने उसे उन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था। तो इसका मतलब दोस्तों हमें बात समझ में आती है कि जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि दोनों बात सही है, वर्ब के इधर सब्जेक्ट है, वर्ब के इधर ऑब्जेक्ट है, यदि दोनों बात सही है इसका मतलब है उस सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और यदि इसकी इस जो आपको मैं बता रहा हूं कि वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसको पैसिव से एक्टिव पे चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं, और इन नियमों में यदि कोई और नियम्स होंगे तो मैं आपको धीरे धीरे उनके बारे में आगे चल के आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनमें काम करते हैं, तो उन स्थितियों में आपको मैं जरूर आगे चल के बताऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आई आपको, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे। अब देखिए दोस्तों मैंने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, कौन सा लिखा है 6 और 7 नंबर का। अब आपको ये 6 और 7 नंबर के जो दो सेंटेंस लिखे इन दोनों सेंटेंस को आपको साइड में नोट कर लो, और नोट करने के बाद में जब मैं कल क्लास में आऊंगा तब क्लास में आने से पहले आपसे ये दोनों सेंटेंस डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे खुद से ये सॉल्व करवाना चाहता हूं एक बार, ताकि आपका एक बार माइंड खुले और आराम से आप भी सेंटेंस को ब्रेक कर सके। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फाइंड करना है कि यहां पे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन है, और वर्ब कोई है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फाइंड करना है कि यहां पे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है या राइट है, इसका भी आपको कल पता करना है एक बार सोल्व कर रहे। जब अब अगली क्लास में जब मैं आऊं तो उससे पहले आप इनको सोल्व करिएगा और मैं आपके सामने फिर से इनको डिस्कस करूंगा, इनके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स और होंगे उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा।
दोस्तों यकीन मानिए आप इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जिस प्रकार से मैंने आपके सामने पांच क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए एग्जांपल्स और ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है राम इंट्रोड्यूस टू द विसी, ये एग्जांपल हमारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये एग्जांपल हमारे एग्जाम में पूछा गया, एसएससी की एग्जाम में पूछा गया। तो आप इसको एक बार सॉल्व करिए कि इस एग्जांपल में, इस जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में कहां पर एरर है और वो एरर किससे संबंधित है और क्यों है। यदि आप किसी भी सेंटेंस में या किसी भी क्वेश्चन से पहले आपके जो माइंड में पुटअप होता है और उससे पहले यदि आप क्यों लगा लेते हो आगे, तो वो सेंटेंस या वो जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया दोस्तों, उस क्यों होने के नाते ही आपका क्या हुआ दोस्तों, वो क्वेश्चन आपके सामने उसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी उस क्वेश्चन या उस जो आपका सेंटेंस है उसको करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि जितने मैंने सेंटेंस लिखे हैं उन सभी को एक बार ब्रेक करिएगा और उसके बाद में जो सेंटेंस बच चुके हैं उनको एक बार फिर से ब्रेक करिएगा और कल की क्लास में जब मैं आऊंगा तो आपके सामने डिस्कस करूंगा, तब आप अपने आपका देख सकते हैं कि मेरा सेंटेंस गलत है या सही है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। और प्लीज आप सभी से विनती है, जैसा कि आप सभी को मैंने कहा कि जल्दी हम क्रेश कोर्स भी लेके आएंगे राजस्थान का और राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का, इसके अलावा रीजनिंग और इसकी रीजनिंग और जनरल साइंस की भी क्लासेस लेके आऊंगा। तो दोस्तों आप और भी ज्यादा अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ये आप इतना ज्यादा शेयर करिए कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो रेलवे एसएससी बैंक सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उन सभी तक ये पहुंच सके। और आपको मैं ये वापिस से बता देता हूं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, आप कभी भी जाके इनको बार बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार देखने के बाद नहीं दोबारा चलेगा, नहीं, तो ये हर बार चलेगा, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे कल। ओके, गुड बाय।